हेलो गाइस, आज हम एक बेल्ट वाला सलवार कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये बेल्टदार सलवार है, आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है। तो ये सलवार जो आप इमेज देख रहे हो, इससे हम अलग बनाएंगे। तो मैं किस तरीके से बनाता हूँ, ये वो तरीका है जो आप लेडीज में भी यूज कर सकते हो और जेंट्स में भी यूज कर सकते हो। तो ये दोनों तरीकों को आप फॉलो करके दोनों में से कोई भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, थोड़े से चेंजिंग के साथ या सेम टू सेम भी चल जाएगा। तो इस तरीके से चलिए, मैं अभी कटिंग करके और स्टिचिंग करके आपको दिखाता हूँ। पूरा वीडियो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 मीटर कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए किनारी का पार्ट ये सामने की तरफ है और हमारे तरफ जो है वो बंद पार्ट है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और खुला पार्ट देखिए ऊपर की तरफ है, यानी राइट साइड की तरफ है, और लेफ्ट साइड की तरफ बंद वाला पार्ट। तो इस तरह आपको कर लेना है। और कपड़े पे ही कटिंग होता है, सलवार जो है फर्मा कटिंग नहीं होता है। तो आप फर्मा कटिंग करने के लिए नहीं सोचना कभी भी, डायरेक्ट जो है कपड़े पे कटिंग होता है और किस तरह होता है आप देख लो। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे सीधा निशान एक लगाऊंगा और थोड़ा नीचे उतार के लगाना है। इसका क्यों नीचे उतार के लगाना है वो भी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो भी सीधा हो जाएगा, तो इसलिए इधर से ही करना है, वो नीचे की तरफ नहीं करना है, क्योंकि नीचे से कपड़ा ज़्यादा बचता है। कभी भी बेल्ट वगैरह लगाना है तो, या खर्चे का कपड़ा जो भी होता है, जो भी हम यूज़ करते हैं कपड़ा, उसके लिए वहाँ निकल जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह से करोगे तो कपड़ा अच्छा निकलेगा, और नहीं अगर उल्टा कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा टुकड़ों में निकलेगा। तो इस तरीके से कर लिया मैंने सीधा एक मार्किंग, और 1.5 इंच का हम बेल्ट लगाने वाले हैं, 1.5 इंच से 1.25 इंच के करीब में। तो मैं 1.25 इंच का लगाने वाला हूँ, तो इतना माइनस करके निशान लगा देना है, यानी कि 39 लेंथ के हिसाब से 39 पे हम निशान लगा देंगे। इस तरह से कभी भी हम इस तरह निशान लगाते हैं और मार्जिन जो भी है छोड़ के हम कटिंग करते हैं कपड़े पे, कुछ भी होता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए 1 इंच डाउन करके मैं निशान लगा दिया, ये हमारे फ्रंट का हो जाएगा, और ये मैं 1 इंच ऊपर चढ़ा के इस तरह से क्रॉस निशान लगा रहा हूँ, ये बैक का हो जाएगा। तो मैं कभी भी सलवार में, चूड़ीदार में, पैंट की तरह फ्रंट बैक अलग अलग कटिंग करता हूँ, तभी मेरा अलग फिटिंग आता है, अलग कंफर्ट महसूस होता है। बिल्कुल ही कोई भी दिक्कत सलवार में बिल्कुल नहीं आता है, या सलवार हो, चूड़ीदार हो, जिस तरह का ट्राउज़र कटिंग होता है इस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से मार्किंग किया है। अब क्या करेंगे हम, 3 या 3.5 के करीब, 4 इंच भी आप ले सकते हो, इस तरह से ब्रॉडिंग पे एक निशान लगाना है। देखिए मैंने किस तरह से रखा है, इस तरह से रख के आपको अच्छी तरह से इस तरह से निशान लगा लेना है। चौड़ाई आप देख लेना है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि बैक फ्रंट दोनों इसमें हमको एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से कर लेना है। साइज आपका कम है सलवार का, लड़की पतली है, तो आप इस तरह कर सकते हो इस तरह के फोल्डिंग पे, नहीं तो आपको जॉइंट लगा के करना है। जब भी हम जॉइंट वाला सलवार बनाते हैं उस तरह से करना है। अब सेंटर से हमको क्या करना है कि 1.25 इंच जो भी बेल्ट लगाने वाले हैं उस तरह माइनस करना है, सेंटर से करना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा क्रॉच एरिया बड़ा चाहिए तो आप 15 इंच पे लगाओ, अब कम चाहिए तो 14 इंच पे लगाओ, आपकी मर्जी है, जितने पे लगाना है लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप नीचे ऊपर करके लगाओ, मैं ऊपर के निशान पे कटिंग कर रहा हूँ। क्रोच एरिया बहुत बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा फिटेड चाहिए मुझे, बहुत नहीं तो लटकता है, यहाँ पे लटकता है वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से करके मैं इस तरह से शेप दे दिया। तो यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच के करीब मैंने इस तरह से बढ़ा के शेप दे दिया। यहीं पर हम बैग भी निकालेंगे, क्योंकि आप घटा बढ़ा के भी मैं कटिंग कर सकता था, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि लड़की पतली है उस हिसाब से मैंने सीधे पर लगा दिया है। और इस तरह से देखिए मैं एक निशान और लगा रहा हूँ बैक के लिए, और मैंने वो क्रॉच नीचे का जो इनसाइड का साइड होता है सलवार का, थोड़ी दूर तक मैंने लगा लिया, बाद में जो है हम उसको नीचे के जो मोरी है उससे मैच करके हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने बैक का कटिंग पहले कर लिया चारों पल्लों का। इस तरह से ऊपर का भी हम इस तरह से थोड़ी दूर तक कटिंग कर लेंगे, बाद में हम आगे की कटिंग करेंगे, कोई बात नहीं है। फिर 2 पल्ले हटा के हम फ्रंट का भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं फ्रंट का इस तरह से शॉर्ट करके नीचे की तरफ कटिंग कर रहा हूँ। तो फ्रंट बैग मैंने अलग अलग कटिंग किया है, इस तरह कर लेना है। अब यहाँ भी हमको क्रॉच एरिया को भी कटिंग कर लेना है, तो फ्रंट का जो मैं मार्किंग किया था उसी पे कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमको इनसाइड का एरिया कटिंग कर लेना है, 2 पार्ट का ही मैंने किया था, अब ये दूसरे पार्ट का मैं कर ले रहा हूँ। और इस तरह से फोल्ड करके मैच कर लेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि छोटा बड़ा आ रहा है। अगर ज़रा भी बड़ा आ रहा है तो जितना बड़ा आ रहा है आपको उड़ा देना है वहाँ पर, नहीं तो आप छोड़ देते हो, तो जब ज्वाइंट करोगे वो तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या है कि आपका तरीका मैं बता रहा हूँ कि अच्छी तरह से इस तरह से मिला के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास कटिंग होगा, और फर्स्ट क्लास आपको सिलने में मज़ा भी आएगा। जो भी कारीगर सिले आप सिलो, आपको मज़ा आएगा। इस तरह से नाप के आप देख सकते हो कि कितना हमारा क्रॉच एरिया निकला है। आपको कम ज़्यादा करना है तो यहीं पर कर सकते हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का डार्ट करेंगे तो एकदम परफेक्ट 28.5 आ गया है, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो ये बराबर है मेरे हिसाब से, आपको छोटा बड़ा चाहिए तो आप कर सकते हो। अब हम यहाँ का जो भी बचा हुआ है, ये साइड का जो भी है, उसको हम कटिंग करेंगे, यानी इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से क्रॉस करके मैंने ऊपर का कटिंग किया, अब ये फ्रंट वाले को भी इस तरह से ला के उसी कटिंग पे मैच कर दूंगा मैं।
तो ये हमारा हो गया कटिंग। यहाँ पे सेंटर में हम एक कट लगा देंगे ताकि हम वहीं से प्लीटिंग देंगे प्लीटिंग के लिए। तो प्लीटिंग भी देखिए मैं अलग तरीके से लगाता हूँ और किस तरह का बेल्ट बना के बनाता हूँ। मैं सिर्फ 1.25 इंच का बेल्ट यूज़ करने वाला हूँ। सलवार जो आप इमेज देखे थे उस तरह का मैं नहीं करूँगा, वो एकदम प्रॉपर लेडीज़ होता है। और मैं जो ये बता रहा हूँ इसमें आप जेंट्स भी कर सकते हो और लेडीज़ भी कर सकते हो। अब जो लेंथ का निशान है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और हम बॉटम देखेंगे तो 14 इंच का रखना है मुझे, तो इस तरह से 7 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वहाँ पर हम शेप देंगे। तो पहले मैं ये निशान को लगा के दिखा देता हूँ, जो ऊपर से थोड़ी दूर तक मैंने कटिंग किया था। अब उसी निशान को यहाँ पे ला के मिला देना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से मिलाना है तो मिलाओ, नहीं तो कटिंग में भी मिला सकते हो, मार्किंग की ज़रूरत नहीं होता है। इस तरह से शेप दे देना है, 1/2 इंच उतार देना है। किधर उतारना है, इन साइड का एरिया। तो इस तरह उतारोगे तो कभी भी चढ़ेगा नहीं आपका, जो भी बहुत लोग का सलवार ऊपर से खींचा खींचा दिखता है सलवार का इन साइड, यानी कि पीछे से सलवार उठा हुआ दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो मेरे तरीके से कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, आपको कहीं भी खींचा खींचा दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। आप देखिए फ्रंट का मैं इस तरह से घुमा के कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये दूर हो रहा था इसलिए मैंने इस तरह का कर लिया। आप कॉटन कपड़े पे कटिंग करना तब इस तरह से घुमाना, मैं जिस तरह घुमाया हूँ, नहीं तो आप घुमाया मत करो, नहीं तो मैं कॉटन है मेरा इसलिए जो है मैं इस तरह से टर्न कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए सलवार की कटिंग देख लीजिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह से ही करना है। आप देखो ध्यान से किस तरह का दिख रहा है, तो ऐसे ही कम ज़्यादा दिख रहा है, ऐसे फ्रंट और बैक ऐसे ही कटिंग करना है। ध्यान से देख लो आप अच्छी तरह से। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे, कटिंग हो गया। अब देखिए हम मशीन पे आ गए हैं, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका पैंचा बनाना है। तो सबसे पहले आपको सलवार का पैंचा ही करना है। और देखिए मैंने एक पट्टी लिया है जो फ्यूजिंग वाला है, लेकिन फ्यूजिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस तरह से फोल्ड करके कर ले रहा हूँ। तो नीचे मैंने रखा है फ्यूजिंग का पार्ट ताकि ऊपर नहीं ना लगे, अंदर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से फ्यूजिंग पार्ट को नीचे की तरफ रख के इस तरह से करना है। तो एक तरफ का सिलाई मैंने मार दिया, बाकी जो है एक्स्ट्रा हो रहा है वो मैं कटिंग कर दिया। और कभी भी ये कपड़ा इतना रखना है कि कभी भी फ्यूजिंग जो होता है वो दिखाई ना दे। अगर दिखाई देगा तो जब आप कपड़े पे इसको जमाओगे तो आपका जो भी है ट्रांसपेरेंट के हिसाब से आपको जो है वो दिखाई देता है बकरम, तो ख़राब दिखता है। तो कभी भी आप इस तरह से चौड़ा रखा करो एकदम अच्छी तरीके से। तो मैंने एक बनाया, दूसरा बना के भी आपको दिखा देता हूं। तो एक बार और देख लो कि ये देखिए गम वाला पार्ट है, ये इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है, इस तरह कपड़े पे इस तरह रखना है। आपको अगर चाहिए तो प्रेस से इसको चिपका भी सकते हो, नहीं तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अगर फ्यूजिंग वाला नहीं है तो भी आप इस तरह से ही करोगे तो चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूजिंग वाला ही लेना है। मेरे पास फ्यूजिंग वाला पट्टी था तो मैं वो लगा रहा हूँ। तो इस तरह से कर लेना है। अब हम इसको मोड़ देंगे दोनों तरफ से, तो पट्टी के बराबर ही मोड़ना है, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं करना है। तो अच्छी तरह मोड़ लेंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम कटिंग कर देंगे। मैंने आपको बताया कि इतना कटिंग करना है कि बकरम दिखाई ना दे, यहाँ पे पट्टी का बकरम जो भी है वो दिखना नहीं चाहिए इसमें, तो वो ध्यान रखना है। इस तरह से पट्टी बन गई, अब हम इसको फिट करेंगे सलवार में। तो सबसे पहले इस तरह लेना है, सलवार का कटिंग आप देख लो, और अंदर जो है सीधा पार्ट है, ऊपर का उल्टा है। तो आपको यहीं पे थोड़ा सा हटा के और जो भी सीधा पार्ट है इस तरह से रखना है, और इसको भी सीधा ही रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। और एक बूट का इस तरह से रखते हुए यानी उस पर चढ़ाते हुए इस तरह सिलाई मारना है लब का। तो लब का मारते हुए अच्छी तरह से जाना है, तो थोड़ा राउंड है इसलिए हमको पट्टी अलग से इस तरह लगाना है। अगर आप दूसरे तरीके से लगाते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आएगा जो इसमें आएगा। और इसको भी टर्न करके सीधा ही मैंने रखा है, और इस तरीके से इसको भी रखना है सीधा, और इस तरह से मारते हुए चले जाना है। तो इसमें जोड़ी होता है यानी कि बैक फ्रंट कटिंग है, तो कभी भी उल्टा सीधा इसमें होता है, इसीलिए सबसे पहले आपको मोहरी बना लेना है उल्टा सीधा देख के। भले प्लेन है तो क्या हुआ, कटिंग में मैंने उल्टा सीधा रखा है, फ्रंट बैग रखा है, इसके लिए बता रहा हूँ। फ्रंट बैग नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस तरह से मैंने कर लिया। अब देखिए इसको फोल्ड करना है, सीधा ही रखना है वो सीधा का पार्ट। और इस तरह से हमको अब लब की सिलाई यानी कि एकदम किनारी की सिलाई इस तरह से लगाना है, बराबर ध्यान देते हुए लगाना है कि नीचे का बकरम ऊपर की तरफ यानी कि कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, बराबर किनारी की सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो आप देखो ध्यान से, आप या तो स्क्रीनशॉट लेके मैच करके आप देख लो ये बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप अगर देख सकते हो अच्छी तरीके से तो देख पाओगे कि मैं एकदम लब की सिलाई और अच्छी फिनिशिंग के साथ लगा रहा हूँ। तो देखिए मैंने मार्किंग जो किया था पूरा दिखाई दे रहा है। तो कभी भी इस तरह से मार्किंग मत किया करो जो मैंने अभी आपको मार्किंग करके दिखाया। मैं तो सिर्फ कटिंग दिखाने के लिए आपको इस तरह से मार्किंग किया हूँ, नहीं तो मार्किंग इस तरह से नहीं किया जाता है वाइट कपड़ों में, ठीक है। अब मैं उलट के एक सिलाई मार के दिखा रहा हूँ, अभी इसको हमको पैक कर लेना है, यानी पट्टी के दूसरे तरफ हमको सिलाई इस तरह मार लेना है उल्टे तरफ से, और इस तरह से बराबर कपड़ा बाहर निकालते हुए मारना है। कभी भी एकदम परफेक्ट आना चाहिए, ज़रा भी रिंकल नहीं आना चाहिए पट्टी के अंदर।
यानी पट्टी के नीचे का पार्ट में देखो किस तरह मैंने लगाया है, इस तरह से ही लगाना है आपको। अब मैं एक सिलाई ऊपर से मार के दिखा देता हूँ कि हमारा ट्रांसपेरेंट हो, तो इस तरह से ऊपर से भी लगा सकते हो, यानी सीधे तरफ से, क्योंकि पट्टी की चौड़ाई दिख रही है तो आप इस तरह से भी एक सिलाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तरीके मैं इसमें बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं सिलाई मार के दिखाऊंगा इस बॉटम के ऊपर। अगर जेंट्स है तो आपको दो सिलाई ही मार के ख़त्म कर देना है, या तो एक इधर मारना है एक उधर मारना है, यानी दो दो सिलाई दोनों तरफ मारो, और नहीं तो एक एक सिलाई पे ही ख़त्म कर देना है। लेडीज़ का आप बना रहे हो तो इस तरह से सिलाइयाँ लगाना है। तो जो भी है देखो मैं किस तरह लगा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक बूट का सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखो कितना मैं किस तरह लगा रहा हूँ, आपको इस तरह ही लगाना है। अभी मैं इसको लगा के आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। तो अभी देखो मैं एकदम बराबर लगा रहा हूँ और इस तरह से लगाते हुए जाना है। तो ये हमारा जो भी था एक जैसा सारे सिलाई इसमें आ गए, यानी पांच सिलाई इसमें हो गया, देखो किस तरह दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेंटर सेंटर में एक और मारेंगे, तो एक एक सेंटर सेंटर में एक एक स्टिच और कर देंगे, तो और भी लुक ये बेहतरीन आ जाएगा। तो कभी भी जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं इसी तरह का सलवार पहनते हैं, नॉर्मल लोग को पसंद नहीं आता ये, उन लोग को अलग अलग तरीक़ों का आता है, लेकिन जो भी सेलिब्रिटी होते हैं उनका जब मैं बनाता हूँ तो इस तरह का ही बनाता हूँ, इस तरह का ही सॉफ्ट बकरम का यूज़ करता हूँ मैं। तो मेरा जो ये मैं इसमें लगा रहा हूँ बिल्कुल सॉफ्ट वाला है, आप ये मत समझना कि कड़क वाला है। मैं बेल्ट में कड़क लगाऊंगा, इसमें मैंने बिल्कुल सॉफ्ट वाला यूज़ किया है जो मैं इसमें पट्टी में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई हमारा हो गया। अब देखिए ये किस तरह का दिख रहा है, ध्यान से देखो आप, तो देखो कितना खूबसूरत दिखता है। तो इस तरीके से करके हम कटिंग कर लेंगे और इसका अभी बॉटम हम बंद कर लेंगे, मतलब इसका मोरी हम बंद कर लेंगे। तो 14 इंच है तो उस हिसाब से नाप के हमको बराबर कर लेना है, यानी कि 7 इंच पे निशान लगा के हमको कर लेना है। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि निशान की ज़रूरत नहीं है, मैंने मारा है बहुत मोटा मोटा तो बराबर दिख रहा है। इस तरह से हमको इस तरह से बंद करते हुए जाना है। तो देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। अभी ऊपर इस तरह मैंने बराबर किया है, और पहले इनसाइड का एरिया बंद करना है, क्रॉच एरिया बाद में बंद करेंगे। तो मैं जिस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो किस तरह का ये पैंट की तरह मैं बना रहा हूँ, और पैंट की तरह ही बनता है। और ये सिलाई नम दे के नहीं लगाना है, खींच के ही लगाना है आपको। तो देखो मैं ज़रा भी नम दे के नहीं बना रहा हूँ। अब इस तरह जब हो जाएगा तो इसको और खींच लेंगे हम अच्छी तरह, खींच के इसको तोड़ लेंगे। अगर सिलाई टूटती है तो ठीक है, नहीं टूटती है तो आपकी मशीन अच्छी है, टूटना नहीं चाहिए कभी भी इस तरह क्रॉस कपड़े पर। तो मैंने देखो खींच के दिखाया, टूटा नहीं है। तो इस तरह से मशीन का सेटिंग आप करा लिया करो, ज़रा भी अगर इस तरह से क्रॉस पार्ट पे टूटता है सिलाई तो समझ लो आपका टाका बेहतरीन नहीं है। तो इस तरह से खींच के दूसरी सिलाई मैंने मार लिया, तो इस तरह डबल सिलाई भी हो गया। अब हमको अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है, यानी कटिंग वगैरह कर लेना है, धागा वगैरह यहीं पर क्लीन कर लेना है। तो समझो जिस तरह मैंने एक किया उसी तरह दूसरा भी कर लिया था। अब मैं क्रॉच एरिया बंद कर रहा हूँ, तो इस तरह करना है। फ्रंट का पार्ट मैंने पहले रखा है, और इस तरह से फ्रंट पे फ्रंट रखते हुए इस तरह जाना है और सिलाई मारते जाना है। एक बूट का ही मारना है, ज़्यादा नहीं मारना। तो यहाँ पे मार्जिन छोड़ के कोई मतलब नहीं है, एक बूट का ही मारते जाओ, जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए अच्छी तरह से। ये मिलाते हुए बैक एरिया हमको जोड़ लेना है, यानी क्रॉच एरिया ये पूरा बैक फ्रंट साथ में, तो इस तरह से जोड़ना है। और कोई भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ये पैंट नहीं बना रहे हम, सलवार बना रहे, ठीक है। तो इस तरह से बंद कर लेना है। और यहाँ भी एक और सिलाई मारना है, तो इस तरह से एक और मारते हुए इस तरह चले जाना है। जहाँ वो क्रॉच एरिया का जो जॉइंट है यहाँ पे आके हम एक टाका बांध देंगे, तो यहाँ बांध देना है अच्छी तरह से, ताकि कभी भी यहीं से सिलाई खुलता है वो खुलेगा नहीं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं बोल रहा हूँ फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है कोई बात नहीं। मैं अपना जो भी मुझे आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, शेयर करता हूँ। अब देखिए ये फ्रंट बैक किस तरह से कम ज़्यादा हो गया है, मैं प्रेस मार के आ गया हूँ, तो इस तरीके से देखिए इंटरलॉक भी मैंने मारा है। तो बेल्ट लगाने से पहले इंटरलॉक वगैरह प्रेसिंग वगैरह कर लोगे तो ज़्यादा बेहतरीन फिनिशिंग आता है, तो मैंने कर लिया। आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह का दिख रहा है, और मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है। फ्रंट और बैक इसमें अलग अलग है। अब हम फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे प्लीटिंग का, तो देखिए फ्रंट पार्ट है, अब इस पर हम निशान लगाएंगे। तो ये सेंटर का पार्ट है जो हमारा सेंटर निकला था, ये देख लीजिए सेंटर है, उसके सेंटर पे एक कट मैंने लगा दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले ही लगाया था मैंने। अब यहाँ से निशान लगाना है हमको, तो देखिए मैं पहला निशान 5 इंच पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी दूसरा निशान देखिए 3 इंच पे लगा के, अब 1/4 इंच माइनस कर दूंगा इसमें, 1/4 इंच पे भी एक निशान लगाया, फिर 3 इंच लगा के 1/4 इंच माइनस किया, इस तरह से फिर एक 3 इंच पे लगा के 1/4 इंच माइनस किया, फिर एक 3 इंच पे लगा के 1/4 इंच माइनस कर लेना है। तो ये हमारा एक तरफ का हो गया, जो भी प्लेट निकलेगा निकालेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये, अगर आपका घेरा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा निकलेगा। इस तरह से फिर मैंने 5 इंच पर लगाया, और एक 3 इंच पर लगाया, 1/4 इंच माइनस किया ऊपर की तरफ, यानी इस तरह से करते जाना है, निशान दोनों तरफ लगाते जाना है। तो ये एक जैसा इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड का हमारा हो जाएगा। तो ये फ्रंट का पार्ट है, बैक का नहीं है, आप ध्यान रखना, फ्रंट और बैक में फ़र्क है, उस हिसाब से मैंने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक निशान मैंने लगाना भूल गया, जो 5 इंच के अंदर लगाना था
वो नहीं लगाया था, तो एक और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अंदर की तरफ। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो और ज़्यादा ज़्यादा लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, या प्लीटिंग बढ़ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसा भी लगाओगे और प्लीटिंग एक दो बढ़ जाएगी तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमको प्लीटिंग लगाते हुए जाना है। पहला प्लीट बड़ा है और उसके बाद छोटे छोटे हैं, मतलब कपड़ा पहले प्लीट में ज़्यादा है और दूसरे तीसरे जो भी है सब में एक जैसा है। तो इस तरीके से प्लीटिंग एक तरफ से मारते हुए आएंगे और दूसरी तरफ हम बाद में इस तरफ से मारते हुए जाएंगे, तो एक जैसा इक्वल प्लीट होगा। ये हमारे सलवार का प्लीटिंग कर रहा हूँ मैं, ये कोई भी सलवार आप बनाते हो इसी तरह का प्लीटिंग लगाया करो, जो चौड़ा बेल्ट का लगाते हो या कोई भी बनाते हो, तो इस तरीके से प्लीटिंग करोगे तो अच्छा आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखिए एक तरफ का हो गया, दूसरी तरफ का इस तरह निशान लगा करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है, झटपट हो जाता है और आसान तरीके से हो जाता है। इसमें सोचने समझने की कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो अंदाज़ा लगा लगा के करते हो तो आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह कर लोगे तो इक्वल आएगा, एक जैसा आएगा, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है और एक जैसा होता है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो परफेक्ट हो जाता है। तो देखिए अभी हो गया हमारा, अब हमारा ये प्लीटिंग देख लो किस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये सेंटर में सामने की तरफ ऐसा है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेल्ट है फ्रंट का, जो भी हमारा 32 वेस्ट है, तो इस तरह से हम एक बेल्ट पट्टी चिपका लेंगे या बना लेंगे जो भी है। तो इस तरीके से आपको चिपकाना तो चिपका लो, लेकिन मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। इस बार हमारा गम जो है यानी ग्लू है ऊपर की तरफ है और इस तरह से हम कच्चा कर रहे हैं, इस तरह से किस तरह रखा था बॉटम को मैंने उस तरह रखा है, इस तरह फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके हम प्रेस मार के चिपका लेते हैं पहले, ताकि हमको ये इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो देखो मैं चिपका लिया हूँ, चिपकाने के बाद में इस तरह से हमारा हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, जो भी मार्जिंग है जो भी एक्स्ट्रा है, तो हमको 31 के करीब रखना है। तो इस तरीके से 32 या 31 ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर 32 कमर है तो आप इसका हाफ रख लो, हाफ से थोड़ा कम रखोगे तो भी चलेगा, अगर बराबर रखते हो तो भी चलेगा। इस तरह से जो भी हमको पकड़ के स्टिचिंग करना है यानी उसमें फिट करना है, उस तरह से मार्जिंग छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। कटिंग करके छोड़ सकते हो या तो आप पेंसिल से इस तरह से मार्किंग कर लो, और इस मार्किंग से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे कितना दबाना है। इस तरह भी कर सकते हो, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको करना है। अब इसका आधा आधा करके हम फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा लेंगे, ताकि हमारा सेंटर निकल जाएगा। तो सेंटर मैंने इसलिए निकाला कि जब हम प्लीटिंग जहाँ पे किए हैं उसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। अब इसको मैंने नाप लिया, जितना भी है इतना हम उसको प्लीटिंग के पार्ट को इस तरह फोल्ड करके और वहाँ पे एक कट लगा के निशान लगा लेंगे, और उसके बाद जो कपड़ा बचता है वो हम क्या करेंगे, बैग में पट्टी का अलग से पट्टी लगाएंगे। तो देखिए जितना मैंने लगाया था यानी कि फोल्ड करके 8 इंच होना चाहिए, तो 8 इंच पर इस तरह निशान लगा लो, तो ये हमारा जो है पता चल गया कि ये फ्रंट में चला जाएगा। और ये बैक का जो भी बचता है एरिया आपका, इसको नाप लेना है कि कितना ही बचता है। तो इसको मैंने नापा, तो देखिए ये टोटल 30.5 आ रहा है। तो हम जितना भी है इसको बैक का कपड़ा हम इसमें उतना ही कटिंग करके उसमें फ़िट कर देंगे। तो किस तरह फिट करना है कि पहले हमको नाप के जिस तरह मैंने नापा उसी तरह इसको भी नाप लेना है, और उसके बाद हमको कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं इधर से कर रहा हूँ, उधर किनारी है तो इसलिए मैं इधर से कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो इस तरह से अभी हम मार्जिन छोड़ते हुए कर लिए, तो जितना वो था उतना ही इसको रखा है, सेंटर इसका भी मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ना है, देखो ये पट्टे और जो बेल्ट का पार्ट है इस तरह से हमको बराबर पर रखना है नीचे की तरफ, और इस तरह से हमको रख के सिलाई मार के ऊपर का हिस्सा हमको फोल्ड कर देना है। तो ये अगर ज़्यादा चौड़ा है तो आप कटिंग करके निकाल देना, और इस तरह से करके हमको फोल्ड कर देना है। देखो मैं किस तरह फोल्ड कर रहा हूँ, इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, ये फोल्डेड ही आपको निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा है निकाल लिया मैंने, बाद में और भी जो बचा है वो कटिंग करूँगा मैं, लेकिन पहले मैं अभी कर लेता हूँ इतना, बाद में मैं इसको जो भी है स्ट्रेट कर लूँगा। तो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ भी एक सिलाई मार लेना है। तो हमारा बेल्ट जो है रेडी हो गया राउंड, तो पूरा राउंड हो गया। और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा था हमारा कपड़ा जो फोल्डिंग के लिए था, वो हम कटिंग करके हटा देंगे, ताकि ज़्यादा जो ये कपड़ा ना रहे अंदर, ताकि हम इलास्टिक लगाएंगे तो दिक्कत ना दे। अभी देखिए किस तरह का हो गया। अब हम फिट करेंगे उसको कमर में, यानी कि सलवार के अंदर फिट करेंगे। तो देखिए अंदर की तरफ से फिट करना है, तो ये अंदर का पार्ट है, सलवार का इनसाइड है। अब देखिए मैं इस तरह चटके पे रखा यानी सेंटर निकाल के रखा, और इस तरह से यहाँ पे रख के अब सिलाई मारते हुए चले जाएंगे। तो मैंने निशान भी लगाया है पेंसिल का, तो आप पेंसिल का निशान लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी इस हिसाब से लगाते हुए चले जाना है। अगर पेंसिल का निशान आप लगाते हो तो एक जैसा इक्वल आता है। आप कभी भी कॉलर वगैरह भी अटैच करते हो तो इस तरह का निशान लगा के करोगे तो एकदम परफेक्ट आता है, जरा भी नीचे ऊपर नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता। हमको इन साइड से पूरा जो है बेल्ट राउंड घुमा देना है, क्योंकि हमने नाप के बनाया है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है। तो इस तरीके से मारते चले जाएंगे, जिस तरह का है इस तरह से एकदम बिठाते उसमें चले जाएंगे। आपको अगर शक हो तो इस तरह से नाप के चेक कर लोगे तो बराबर समझ में आ जाएगा, छोटा बड़ा तो नहीं है। छोटा बड़ा होगा तो यहीं पर आप
नम या कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हमने नाप के बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से आपको करोगे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से ही आपको करना है। ये बैक का एरिया है जो मैं अभी ज्वाइंट कर रहा हूँ। अब हमारा इस तरह से पर्क कर लेंगे तो पूरा ये फिट हो जाएगा। तो आपको जब इस तरह हो जाएगा तो इस तरह से करके अब इलास्टिक किस तरह लगाना है वो भी बताता हूँ। इलास्टिक लगाने के भी दो तीन तरीके हैं, इसमें से एक मैं बता देता हूँ जो सभी करते हैं, लेकिन इसमें फिट किस तरह करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमको फ्रंट पे इस तरह कर लेना है, अब इलास्टिक को हमको कटिंग कर लेना है लगाने के लिए। तो अभी हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इलास्टिक पहले फिट करना है। तो सबसे पहले इलास्टिक लेंगे तो जितना हमारा वेस्ट का आधा है यानी कि 16 इंच है, तो उससे हम साढ़े तीन इंच कम रखेंगे। तो इस तरीके से रख के हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट ही रखना है ताकि इलास्टिक का पार्ट है तो ये खींच के बराबर कमर के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप बराबर रखते हो तो सलवार जो है लूज रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने रखा है और बैक वाले पार्ट पे इस तरह से रख के इस तरह ज्वाइंट जो है वो ज्वाइंट पे ही मैंने एक सिलाई पहले लगा लिया। देखिए मैंने किस तरह लगा, इसी तरह से पैक कर लेना इलास्टिक को। अब ये दूसरे तरफ भी, ये बेल्ट के ये बाजू में भी यानी दूसरे साइड में भी हमको इसी तरह फिट कर लेना है। देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, इस तरह कर लेना है यानी इलास्टिक को पहले उसमें फिट कर लेना है। इस तरह से नहीं करना है कि बाद में करना है, ठीक है। जो भी करना है पहले ये कर लो। अब इस तरह से पैक होने के बाद में हम फ्रंट का एरिया बंद कर देंगे। फ्रंट जो भी बेल्ट का पार्ट है हमको इस तरह बंद करते हुए चले जाना है। तो देखिए आपने बराबर जोड़ा है तो बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नीचे का ध्यान रखते हुए जाना है कि नीचे कोई कपड़ा छूट ना जाए, मतलब कहीं दब ना जाए, कोई प्लीटिंग में प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए कपड़ा बाहर करते हुए इस तरह से अच्छी तरह लप की सिलाई लगाना है, एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो जितना फिनिशिंग के साथ लगाओगे उतना बेहतरीन आपका सलवार या जो भी काम करते हो फिनिशिंग पर पूरा ध्यान दिया करो। तो आप मुझसे जो भी स्टिचिंग जानना चाहते हो हर चीज़ मैं करता हूँ, तो जो भी मेरे पास आता रहेगा मैं दिखाता रहूँगा। कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ब्लाउज ही करता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। ब्लाउज तो मैं इसलिए करता हूँ कि ब्लाउज ही लोग पसंद करते हैं और मेरे पास डेली जो है दो चार ब्लाउजों के फ़ोटो आते रहते हैं कि मुझे ये कटिंग बताओ वो कटिंग बताओ, तो मैं उसमें ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं और भी कटिंग नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे पास जो काम होता है उसका वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है, एक वीडियो एक दिन में नहीं हो पाता है, उसमें टाइम लगता है। बड़े बड़े भारी भारी ड्रेस बनते हैं, आउटफिट बनते हैं, इसलिए उसका वीडियो मैं बनाता भी हूँ तो कोई देखता नहीं है। तो कभी भी इस तरह से लगाते हुए जाना है, और कभी भी इस तरह का कर रहे हो तो सुई कभी भी नीचे की तरफ होना चाहिए मशीन के अंदर, तभी इलास्टिक को टच करके खींच सकते हो। नहीं तो आप कभी भी सुई बाहर होगा तो खींचना नहीं कभी भी इलास्टिक को। तो देखो मैं इस तरह मारा सिलाई और सुई देखो अंदर की तरफ है, कभी भी मशीन के नीचे सिलाई होगी तभी आपको खींचना है। और इस तरह से फोल्ड करके एक जैसा इक्वल कर करके इस तरह से बंद करते हुए जाना है। फिर थोड़ी दूर जाओगे या मशीन रोक के इलास्टिक को खींच लेना है। तो इलास्टिक को कब खींचना है, जब सुई अंदर होगी मशीन की, तब। ऐसे नहीं सुई ऊपर हो और आप खींच दो, नहीं तो निकल जाएगा कपड़ा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए हमको बंद कर लेना है। तो ये मैंने बंद कर लिया, अब इस तरह से टर्न करके हम इसमें बेल्ट के ऊपर लप की सिलाई लगा लेंगे। तो जिस तरह मैंने वहाँ पे बंद किया था नीचे की तरफ, अब ऊपर भी बंद कर देंगे ताकि ये जो हमारा बकरम है अच्छी तरह से पकड़ ले, ताकि धोने पे भी अगर ये कोई प्रॉब्लम ना हो। और एकदम से ये रिंकल वो कभी कभी नम हो जाता है बकरम, तो मज़ा नहीं आता है उसमें। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो छोड़ देता है। तो इस तरीके से इलास्टिक को अच्छी तरह खींच के बराबर सेंटर निकाल लेना है और इस तरह से खींच के लगाना है। तो देखो इस तरह इलास्टिक एकदम ऊपर की तरफ किनारे की तरफ घसीट के लाना है और इस तरह से बराबर खींचते हुए जाना है। और कभी भी आप खींचोगे तो सुई नीचे होना चाहिए। आप ध्यान दो कि सुई जब भी मैं कर रहा हूँ तो सुई जो है मशीन की वो हमेशा नीचे ही रह रहा है, यानी ऊपर करके मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखो फिर से नीचे है और फिर मैं वापस खींच रहा हूँ इस तरह से। तो बराबर इसको क्लीन करते हुए बेल्ट को आपको खींचना है। तो देखिए ये हम किस तरह खींच रहे हैं, ये हमारा हो गया सलवार। तो मेरा ये कटिंग या रिस्टिचिंग ये सब पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरह से स्टिचिंग करोगे और बनाओगे तो आपका बेहतरीन बनेगा। तो इसका लुक देखो किस तरह का आया है, किस तरह का दिख रहा है, आप देख लो ध्यान से। तो मैं इसका इमेज नहीं दिखा सकता क्योंकि डमी पे तो लगता ही नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाता। लेकिन आप जो है देखो इसको कि किस तरह, आप आइडिया भी लगा सकते हो कि मैंने जो बनाया है इसकी फिनिशिंग क्या होगी, फिटिंग क्या होगी। तो इस तरीके से आप बनाया करो। आपको सलवार वगैरह जब भी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो एक अलग तरीके से बनाओ, एक अलग चीज़ बनाओ, अपना छाप छोड़ो, यानी कि जो मार्केट में है उससे हट के बनाया करो। जिस तरह मैं करता हूँ मुझे सब आता है, मैं भी मार्केट का देखा हूँ, लेकिन मैं हट के काम करता हूँ, इसीलिए मेरा काम अलग होता है क्योंकि मैं किसी का कॉपी नहीं करने की कोशिश करता हूँ, मुझे वो सब पसंद ही नहीं है। इसलिए जो है मैं अपने तरीके से ही कुछ नया करता हूँ, इसलिए मेरा हर चीज़ में आप देखे होंगे कि अलग ही होता होगा। तो इस तरह का सलवार शायद आपने नहीं देखा होगा किसी का बनाते हुए, हो सकता है देखा भी होगा, मुझे पता नहीं है।
तो अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।